जय हिंद दोस्तों। दोस्तों रिजेक्ट लेटर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, यूट्यूब पर वीडियोस बनाए हैं, टेलीग्राम चैनल्स पर भी बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं और फोटोज़ वायरल हो रही है, और आपने व्हाट्सएप पर भी ये रिजेक्ट लेटर वगैरह देखे होंगे। लेकिन उन्हीं लेटरों में से कुछ अच्छे लेटर भी बाई पोस्ट कैंडिडेट को सेंड किए गए हैं सेंटर से जहाँ पर उनका मेडिकल हुआ था। तो जितने भी हमारे भाई लोग थे जिन्होंने मेडिकल दिया, जिनमें कुछ कमी पाया गई, ठीक है, आँखों में या उनके नौकनी फ्लैट फुट वगैरह जिस किसी भी कारण की वजह से उनको रिजेक्ट किया रीमेडिकल के लिए, और उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए बोले थे 15 दिन के लिए। तो बाहर किसी भाई ने अपना जो इलाज है ट्रीटमेंट करा के जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्टर अपने जो सेंटर है वहाँ पे बाई पोस्ट कर दिया था, और कुछ लोगों के वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियाँ पाई गई या कुछ डॉक्यूमेंट्स 15 दिन के अंदर अंदर वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो बहुत सारे ऐसी दिक्कतें आई, किसी ने DD ही नहीं, पैसे ही नहीं दिया था, या कुछ भी ऐसे बहुत सारे कारण की वजह से उनका रिजेक्ट लेटर घर आया। तो उसी के बीच बहुत सारे ऐसे भाइयों को गुड न्यूज़ के भी लेटर आए। चलो मैं वो लेटर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यह है पहला लेटर जो स्पीड पोस्ट किया गया था आसाम से। आसाम में जहाँ पे जो सेंटर है गुवाहाटी में, ठीक है, वहाँ पे रीमेडिकल हुआ था, मेडिकल हुआ था वहाँ पे। जब भाई ने अपने रीमेडिकल मिला उसको, तो उसने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दी, तो वहाँ पे उसके जब डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो वहाँ पे सब कुछ ठीक था। इस कारण से उस भाई को लेटर भेजा है कि आपका जो रीमेडिकल के लिए आपने अप्लाई किया था वो एक्सेप्ट हो गया है और आपको एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हो, यहाँ पे देखिए डाउनलोड ई एडमिट कार्ड फॉर रिपोर्टिंग रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन डेट वगैरह यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड ई एडमिट कार्ड। तो ई एडमिट कार्ड का मतलब होता है आपका जो री मेडिकल का एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन आएगा, ठीक है, ऑफलाइन कभी नहीं आएगा, आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन ही आएगा, ठीक है। तो जिस भाई ने भी री मेडिकल मिला था उसको, ठीक है, उसका नाम है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, कुछ कुछ नाम है इसमें पढ़ना तो नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ सुहान का कुछ का कुछ नाम है। इस भाई को रीमेडिकल के लिए जब इसने अप्लाई किया तो इसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे एक्सेप्ट हो गए और इसको बोला गया है कि आपका जो रीमेडिकल के एडमिट कार्ड है वो 100% आ जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट जो है एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, ठीक है। ऐसा ही और एक लेटर आया है मेरे पास, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये दूसरा है, ठीक है, ये भी आसाम से ही है और इसका नाम है बिट्टू दास, बिट्टुल दास है इसका नाम, और इसने भी जो अपने रीमेडिकल के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजे तो इसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी एक्सेप्ट हो गए हैं और इसको लेटर भेजा बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्ट हो गए और आपका रीमेडिकल का जो एडमिट कार्ड है वो बहुत ही जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये दो गुड न्यूज़ थी कि सिर्फ रिजेक्ट लेटर ही नहीं आ रहे, बहुत सारे भाइयों को रीमेडिकल के जो उनके डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्ट हो गए हैं ऐसा, और उनको एडमिट कार्ड 100% आएगा, ऑनलाइन आएगा, ऐसी जानकारी के जो लेटर है वो भी बाई पोस्ट आ रहे। अगर आपने भी रीमेडिकल के लिए अप्लाई किया है तो आपके भी आ सकते हैं, और नहीं भी आया तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप ऐसा सोचो कि यार हमें तो नहीं आया, क्या फिर हमारा रिजेक्ट हो गया है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपका रीमेडिकल का के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे और आपको रिजेक्ट लेटर नहीं आया है तो आप ऐसा समझ के चलो कि आपका 100% डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गया है और आपका रीमेडिकल का जो एडमिट कार्ड है वो जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है मैं आपको 100% बताऊँगा, ठीक है। आपको आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन प्रेस करके रखना है ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आपका अगर रिजेक्ट लेटर आ गया है तो आपका कोई चांस नहीं है, ठीक है, कि आपको फिर से रीमेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपका एक बार आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप भर्ती से पार हो जाते हो, लेकिन अगर आपने रीमेडिकल के लिए अप्लाई किया है और आपका रिजेक्ट लेटर नहीं आया है तो आपके डॉक्यूमेंट्स 100% एक्सेप्ट हो गए, इतना आप कन्फर्म पकड़ के चलो, ठीक है। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना और मैं आपको 100% आपके वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अब अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी ये है। और यूट्यूब चैनल पर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और तो और आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो जरूर कर लेना, और एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे मैं कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं या लेटर आते हैं, कुछ नोटिस आती है, फ़ोटोज़ आते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ ताकि आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकें। तो इन चारों जगह पर आप मुझे ज्वाइन हो जाना, ठीक है, फॉलो कर लेना
और बस मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।